जालंधर पुलिस को आज एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली जब सीआईए स्टाफ ने फोन पर फिरौतियां मांगने वाले तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान करणप्रीत सिंह उर्फ ज्ञानी निवासी कुकी ढाब, अमन उर्फ अमना निवासी बस्ती बाबाखेल और अनिल कुमार उर्फ रॉकी निवासी पखोवाल रोड लुधियाना के तौर पर हुई है। इनके एक साथी स्माइल उर्फ शेरू निवासी सोडल रोड की गिरफ्तारी अभी बाकी है। इस संबंधी और अधिक जानकारी देते हुए जलंधर के डीसीपी इन्वेस्टिगेशन जसकरणजीत सिंह तेजा ने बताया कि पकड़े गए युवकों से तीन नाजायज पिस्तौलें, 24 जिंदा रौंद, एक ब्रेजा और एक इनोवा कार बरामद हुई है। उक्त युवकों ने अपने गैंग का नाम फतेह गैंग रखा था। डीसीपी के अनुसार पकड़े गए सभी लोगों पर हत्या सहित कई संगीन जुर्मों के अधीन मामले चल रहे हैं। ये लोग फोन पर भी लोगों से फिरौती मांगने का काम करते थे। फिलहाल उनका पुलिस रिमांड लेकर गहनता से पूछताछ की जाएगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। इंस्पेक्टर भगवंत सिंह इंचार्ज सीआईए जालंधर, इन्हां दी टीम ने एक बहुत अच्छा काम किया जिहदे विच इन्होंने तीन व्यक्तियों नूं जिहड़ा गिरफ्तार किया, जो लोगों तो टैलीफोन ते होर जिहड़ियां फरौतियां मांगदे सी ते इन्हां दे खिलाफ पहलों भी जिहड़ा दा क्रिमिनल रिकॉर्ड है वह जिहड़ा इन्हां दे खिलाफ अड्ड अड्ड किसी के खिलाफ 12 मुकदमे, किसी के 11, किसी के 8 जिन्होंने जेल कट्टी हुई है। प्रीवियस रिकॉर्ड जिहड़ा उन्हां दा टोटली क्रिमिनल है, हर तरह की जिहड़ी वारदात उन्होंने की है, जे 307 भी है, 302 भी है, आर्म्स एक्ट भी है, एक्साइज भी है, NDPS भी है, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 32 ਬੋਰ ਅਤੇ 1 30 ਬੋਰ ਅਤੇ 24 ਜਿੰਦਾ ਰੌਂਦ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਰੀਜ਼ਾ ਗੱਡੀ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਭਗੌੜੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ PO ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ PO ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ